ग्वालियर के कैंसर पहाड़िया के जंगल में एक काला तेंदुआ नजर आया है। जंगल से सटे रिहायशी इलाके के एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में ब्लैक लेपर्ड की तस्वीरें कैद हुई हैं। वहीं वन विभाग ने तेंदुआ होने की सूचना पर जंगल में तलाशी शुरू कर दी है और स्थानीय लोगों को विशेषकर बच्चों के लिए घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। कैंसर पहाड़िया के समीप स्थित न्यू विजयनगर में रहने वाले चंद्र प्रकाश मल्होत्रा के घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। गुरुवार शाम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करने के दौरान उन्हें पता लगा कि उनके घर से सटे जंगल में एक ब्लैक लेपर्ड घूमता हुआ नजर आ रहा है। यह सीसीटीवी रिकॉर्डिंग 29 सितंबर रात 8 बजे की है। चंद्र प्रकाश पेशे से कैंसर हॉस्पिटल में मेल नर्स हैं। उन्होंने काला तेंदुआ देखे जाने की जानकारी अपने पड़ोसियों को दी, जिसके बाद वन विभाग को इत्तला दी गई। वहीं वन विभाग की टीम ने सर्चिंग के बाद स्थानीय लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, साथ ही खास तौर पर बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देने की सलाह दी। वन अमला लगातार जंगल में सर्चिंग कर रहा है। वन विभाग की टीम को सर्चिंग के दौरान लेपर्ड के पैरों के निशान मिले हैं, जिसके बाद DFO अभिनव पल्लव ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की कि सीसीटीवी में कैद तस्वीरें ब्लैक लेपर्ड की ही हैं। इसमें देखिए, हमें कल रात को सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ तेंदुए का मूवमेंट है, तो हमने पता किया तो वहाँ एक सीसीटीवी कैमरे में किसी रिहायशी इलाके में किसी के घर के सीसीटीवी कैमरे में बाहर की ओर देखा गया, कूलर के सामने एक तेंदुआ दिख रहा है। तो उसमें जब हमने सुबह जाके देखा वहाँ पे उनका ट्रैक किया गया तो पगमार्क्स मिले, पगमार्क्स के साइज से जो है लगता है कि वो तेंदुआ ही। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।